नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा आज एक बार फिर चाय पे चर्चा पे आपके सामने। आज चाय पे चर्चा पे हमारे साथ है सवाई सिंह गोली, जो निकटवर्ती सोडा गांव के हैं और जैसलमेर ज़िले के रहने वाले हैं। आप राजनीति में पारिवारिक रूप से तो सरपंच आपके परिवार से थे, उसके बाद में 2010 में आपकी पत्नी प्रधान बनी और आप राजनीति रूप से सीधे जुड़े। उसके बाद में आप सांगठनिक रूप से संगठन का काम कर रहे हैं, वर्तमान में आप भाजपा के महामंत्री हैं और संगठन की गतिविधियां देखते हैं। आज आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका राजनीति का ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, क्योंकि आपका पूरा बैकग्राउंड एक बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं था, उसके बावजूद आप राजनीति में कैसे आए? मैं किसी मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। सन 2000 में मेरे चाचा जी मिश्री सिंह जी कोटड़ी पंचायत के सरपंच बने, 2000 से 2005 तक। उस समय जैसलमेर ज़िले में भयंकर अकाल पड़ा था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा जो पशुओं के लिए पशु शिविर खोले, गौ माता की बहुत अच्छी उन्होंने सेवा की, कोई चारे की पंचायत में कमी नहीं आने दी और 5 साल उन्होंने पंचायत में अनेक विकास कार्य किए। उसके बाद में सन 2010 में, उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता था। मैं बूथ पे एजेंट बैठा करता था उस समय, जब चुनाव होते थे तब। कोई सक्रिय कार्यकर्ता या मेरे पास कोई दायित्व नहीं था, लेकिन मैं जब चुनाव होते थे बूथ का एजेंट बैठता था। 2010 के पंचायत राज चुनाव में हमारे परिवार ने और मेरे चाचा जी ने तय कर रखा था कि तुझे सरपंच का चुनाव लड़ाएंगे। हमारे यहाँ काम चलता था जैसलमेर में, दूध डेयरी का काम हमने किया था, उसमें हमारा ठेका था। तो हमेशा मुझे कहते थे कि अपने को सरपंच का चुनाव लड़ना और तुझे सरपंच का चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन उस समय विधायक छोटू सिंह जी, जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह जी और शंभुदान जी भेलाणी मंडल अध्यक्ष थे, वो रात को 11 बजे हमारे घर गांव आए सोडा, और उन्होंने कहा आपको पार्टी के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा पंचायत समिति का। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई विचार नहीं था, तो इतिबाक से राजनीति में आना हुआ और पंचायत समिति का चुनाव लड़ा मेरी धर्मपत्नी ने 2010 में। वो जीत कर आई पंचायत समिति सदस्य में। उसके बाद में हमारे को मन में ये नहीं था कि हमें प्रधान बनना है, लेकिन पार्टी का आदेश था और मेरी धर्मपत्नी पंचायत समिति संघ की प्रधान बनी। 8 वोट भारतीय जनता पार्टी के थे, 7 वोट कांग्रेस के थे, लेकिन हमें 9 वोट मिले, 9-6 का 3 वोट से हम जीते प्रधान बने। एक बात जो आपने सबसे बड़ी बात बताई कि आप बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे। भाजपा एक ऐसी कैडर की पार्टी मानी जाती है जहां कार्यकर्ता की बहुत कदर होती है। आप उसी का नतीजा है कि एक बूथ कार्यकर्ता को 2010 में उसकी पत्नी को जब रिजर्व सीट महिला की आई, तो उनको पहले पंचायत समिति चुनाव लड़ाया गया, उसके बाद में प्रधान बनाया गया। तो प्रधान बनने के बाद में आपका, जब प्रधान बने तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस समय कांग्रेस का शासन था, आपकी पंचायत समिति सम बहुत बड़ा क्षेत्र था क्षेत्रफल के लिहाज से, तो उस समय आपको जो कार्य करना पड़ा, कार्य किया आपने, वो किस तरह से किया, किस तरह की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस दौर में? देखो, एक ना तो राजनीतिक अनुभव था, एक सामान्य कार्यकर्ता से प्रधान बनना, आपने ठीक कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। उसके बाद में कांग्रेस का यहाँ शासन था, तो इन्होंने जो उस समय के जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने खूब विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया। अधिकारियों के जरिए खूब परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन हमने संघर्ष किया। जो हमसे बन सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की जो योजनाएं चलती थी गरीबों के लिए, उसका फायदा हकदार व्यक्ति को कैसे मिले, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे मिले, ये उनका पूरा प्रयास रहता था।
और मैं उनके साथ सहयोगी बनके कार्य करता था, तो जितना बन पाया हमने। आपने निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने उस गरीब आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि आपके चूंकि सत्ता में नहीं थे तो कई अड़चनें आई आपको, मगर जब आपका अंतिम एक साल का कार्यकाल हुआ उस समय भाजपा सत्ता में आ गई थी, तो एक साल का जो कार्यकाल रहा उसमें आपने किस तेजी से लोगों तक राहत पहुंचाई, किस तरह से विकास कार्य करवाए, उसके बारे में भी हमें बताएं। एक साल के अंदर पहले यहाँ पंचायत समिति सम की 9 ग्राम पंचायत बॉर्डर एरिया BLEP के तहत आती है, उनमें भेदभाव खूब होता था। एक क्षेत्र को ज़्यादा पहले 4 साल तक बजट मिला, एक साल के बाद में जो हकदार थे जिन गाँव में विकास नहीं हुआ था वो हमने BLEP में अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास किया। एक जो पंचायत समिति सम का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, इतनी कोई बड़ी पंचायत समिति है नहीं, और 52 ग्राम पंचायतें थी उस समय, अब तो उसमें टूट के 2 पंचायत समिति और बनी हैं। तो विद्यालय जो यहाँ थे उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएँ थी, कई विद्यालय ऐसे थे जहाँ पे 15 नामांकन है लेकिन 5 टीचर वहाँ काम कर रहे हैं, और कई विद्यालय ऐसे थे जहाँ पे 200-250 का नामांकन लेकिन टीचर वहाँ 2 या 3 थे। तो उस समय 5 विभाग पंचायती राज डिपार्टमेंट को दिए थे जनप्रतिनिधियों को, आप इसके ऊपर कार्य करें। तो हमारा ये प्रयास था कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में और गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा पंचायती राज योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल सके, वो एक साल के अंदर हमने पूरा प्रयास किया और खूब सारे योजनाएं। निश्चित रूप से जैसलमेर में शिक्षा की कमी और सुदूर क्षेत्र में फैली स्कूल हैं, स्कूलों में स्टाफ की कमी और छात्रों की संख्या अधिक, पढ़ाई होने में निश्चित रूप से कठिनाई रहती थी छात्रों को, और उस क्षेत्र में आपने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया और सरकार की योजनाएँ पहुँचाने का काम किया। उसके बाद में आप संगठन से जुड़े, संगठन से जुड़ने के बाद में एक अवसर ऐसा आया आपके महामंत्री बनने से पहले कि आप जैसलमेर के जिलाध्यक्ष बनने वाले थे, तो जिलाध्यक्ष पद आप कैसे नहीं बन पाए? मेरी धर्मपत्नी पहले 2010 से 15 तक प्रधान रही, मेरे मन में विचार आया कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रधान का पद दिया, बहुत मान सम्मान दिया, तो मुझे अब पार्टी के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने संगठन में आना उचित समझा। मेरे को सबसे पहला कार्यक्रम दिया था उसे तत्कालीन जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह जी अमीरा थे, सन 2015 में एक सदस्यता महाअभियान चला था पार्टी का, तो मोबाइल के जरिए हम एक नंबर डायल करके पार्टी के सदस्य बनाने थे, उसका मुझे प्रभारी बनाया। मैंने पूरे ज़िले में घूम घूम करके कैंप लगाकर उस समय लगभग 88,000 सदस्य पार्टी की बढ़ाई, तो मेरे कार्य को देखते हुए उन्होंने फिर मुझे प्रशिक्षण अभियान का जिले का संयोजक बनाया, जिले के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ अलग अलग मंडल स्तर जिला स्तर, उस पर मैंने काम किया। फिर पार्टी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया, मेरे सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके मैंने समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम किया। फिर जिलाध्यक्ष के लिए पार्टी ने जो निर्णय लिया मेरे लिए वो सर्वोपरि था, उचित जो पार्टी ने सोचा, और मुझे महामंत्री का दायित्व दिया, मैं वो आज ईमानदारी से निष्ठा से जितना हो सकता है पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आपके जैसे कार्यकर्ताओं के प्रयासों से ही आज भाजपा है, जो कहा जाता है कि भाजपा के 16 करोड़ मेंबर है, सीधे सदस्य हैं, और भाजपा का कैडर है कि वो पन्ना प्रमुख तक से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता की कदर करती है, और इस क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है। आपको लगता है कि कहीं जिस तरह से आपके घर पे आपकी पत्नी को पंचायत समिति चुनाव लड़ाने के लिए कार्यकर्ता आए और आपको पंचायत समिति चुनाव लड़ा के प्रधान बनाया, वैसे ही आपको लगता है इस कार्यकर्ता के रूप में आपको कभी भी विधायक के लिए भी टिकट मिल सकती है? मैंने कोई ऐसा सोच नहीं रखा है नहीं, लेकिन मैं संगठन का कार्य कर रहा हूँ,
मेरा संगठन, मेरी पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी, जहाँ भी मेरा उपयोग लेगी, मैं उसके लिए हाजिर रहूँगा। पार्टी जिसको ही जो उचित समझे, जो निर्णय करे, वो मुझे स्वीकार है। मैंने कोई ऐसा सोच नहीं रखा है कि मुझे ये पद मिलना चाहिए। मन में भाव है कि पार्टी के लिए काम करना है और पार्टी को जो उचित लगे उसके साथ चलना है। निश्चित रूप से आपके जैसे कार्यकर्ता हैं जिनकी पार्टी कदर करेगी, क्योंकि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, यहाँ कार्यकर्ता की कदर है। हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं सवाई सिंह जी भाटी से, उनसे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात की। ब्रेक के बाद एक बार फिर मिलेंगे सवाई सिंह जी से, उनसे कई राजनीतिक और उससे हटकर सवाल करेंगे। एक बार फिर भाजपा महामंत्री सवाई सिंह गोगली साहब के साथ में। अब आपसे मैं सीमावर्ती क्षेत्र में, चूंकि आपकी जिम्मेवारी बन जाती है, सीमावर्ती क्षेत्र के आप निवासी हो, इस सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले कई समय से राष्ट्रविरोधी गतिविधियां बढ़ रही है। एक तरह से स्लीपर सेल जैसलमेर में है, बाहर के लोग आके हेयर सैलून, ब्यूटी सैलून, इस तरह की दुकानें लगा रहे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। इसके अलावा अलग अलग तरह के कई व्यापार में घुसे हुए हैं जिनका किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं है, तो कभी भी, और वो सब एक वर्ग विशेष के हैं, तो उस पर आपका क्या मानना है कि किस तरह से ये गतिविधियां बढ़ रही है, किस तरह से उसको रोका जा सकता है? निश्चित तौर पर हमारा जिला सीमावर्ती जिला है, यहाँ के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि वो सीमा का प्रहरी बनकर कार्य करे। और हमारा, हम ये सोचते हैं कि जैसलमेर ज़िले में जो सीमावर्ती गांव हैं, वहाँ पहले चौकियाँ थी, वो पिछली अशोक गहलोत सरकार द्वारा वो चौकियाँ हटाई गई। पिछले कार्यकाल वसुंधरा जी की सरकार में वो चौकियाँ पुनः खोलने की स्वीकृति दी गई, लेकिन आज तक वो चौकियाँ शुरू नहीं की गई। तो यहाँ के पुलिस प्रशासन को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे आप शहर की ले लो, नहरी इलाका है पूरा, वहाँ कृषक के रूप में कई किसान बन के, कृषक बन के जो हमारे यहाँ बटाई आते हैं, उनके ऊपर निगरानी होनी चाहिए पुलिस की। और स्लीपर सेल को भी बढ़ावा देकर उनका विशेष रूप से जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सीमावर्ती एरिया में अभी जो ये घटना घटी उदयपुर वाली, मैं उसके संबंध में कहना चाहता हूँ, जैसलमेर के भी कई लोगों को धमकियाँ मिली कि आपका सर कलम कर देंगे। हमने एक मुकदमा भी दर्ज कराया 29 जून को, लेकिन आज तक उसके ऊपर भी कोई प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। तो यहाँ के हर नागरिक को जागरूक रहने की आवश्यकता है और पुलिस प्रशासन को और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सीमावर्ती क्षेत्र है, इसमें खुफिया तंत्र का और पुलिस विभाग का दायित्व तो बढ़ जाता है कि इस क्षेत्र में अराष्ट्रीय गतिविधियाँ ना हो, उस पर रोक लगाए। और जैसा आपने कहा कि पिछले दिनों की घटना के बाद में, मुकदमा दर्ज होने के बाद में भी अभी तक पुलिस की कार्रवाई नहीं की गई है, तो निश्चित रूप से पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करना चाहिए, ये आपका मानना है। और आपने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से मिलकर मांग भी की है। सीमावर्ती क्षेत्र में जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उसमें हमारे यहाँ जातिगत और धर्म विशेष का वर्चस्व और संख्या बढ़ती जा रही है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? सीमावर्ती क्षेत्र में धर्म विशेष की, उनकी जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज गति से हो रही है।
इसके लिए सरकार को, जो सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, ये अति आवश्यक है। ये कानून बनना ही चाहिए। और सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरीके से इनकी एक वर्ग विशेष की संख्या बढ़ रही है, मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा, मेरे पड़ोस में 30 किलोमीटर दूर दो गांव, 2001 की जनगणना में दोनों गांव की जनसंख्या लगभग बराबर थी, 150 के करीब। आज एक गांव की जनसंख्या 300 है और एक गांव की जनसंख्या 1800 है। 2022 तक इस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। और उसके कारण एक तो ये हमारा जो बॉर्डर है, ये हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारी BSF, हमारी सेना अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ रेतीला एरिया है तो तारबंदी रेत शिफ्टिंग होती रहती है, तो कई कई बार एकदम तार नीचे दब भी जाती है, तो घुसपैठिए अंदर घुसपैठ कर जाते हैं। ऐसी कई घटना जैसलमेर में घटी भी है, तो ये जैसलमेर के लिए चिंता का विषय भी है और उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता और ये कानून लाने की महती आवश्यकता है। आपने कहा कि किस तरह से जैसलमेर में जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है। एक गांव की जनसंख्या 10 वर्ष पहले 300 थी, 150 की 300 ही, और दूसरे की 300 की 1800 ही, 5 गुना बढ़ गई। तो ये इस तरह का असंतुलन इस सीमावर्ती क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से घातक साबित हो सकता है। राजनीतिक तौर से बात करें अपन, तो राजनीतिक तौर से एक वर्ग विशेष में एक परिवार का दबदबा है और उस क्षेत्र में राजनीतिक तौर से उनका दबदबा है और उनके दबदबे के कारण अन्य वर्ग के लोग कांग्रेस में पनप नहीं पा रहे हैं, तो ये कारण भी एक है कि यहाँ जनसंख्या का असंतुलन है। निश्चित तौर पर ये भी कारण है। एक उनमें शिक्षा की भी कमी है, उनको भारतीय जनता पार्टी का डरा के, उनके अंदर डर पैदा करके वो एक छत्र राज करने का प्रयास कर रही है। अभी तक वो सफल भी हो रहे हैं। आज तक उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को परंपरा नहीं दिया कांग्रेस पार्टी के अंदर। उसके पिछले 3-4 चुनाव आप देख लो, पंचायती राज चुनाव देख लो, एक भाई MLA है, दूसरा भाई पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहता है, जिला परिषद के चुनाव वही लड़ना चाहते हैं, सरपंच तक का चुनाव वही लड़ना चाहते हैं। तो ना तो उनके खुद के समाज के दूसरे व्यक्ति पर उनका कोई विश्वास है, वो चाहते नहीं कि हमारे समाज उनके समाज से भी कोई आगे बढ़े। तो वहाँ परिवारवाद इस देश के लिए, ज़िले के लिए भी घातक है। सबको मौका मिलना चाहिए, अच्छे लोग चुनकर आए जो ज़िले का विकास कर सके, सभी वर्गों का विकास हो। लेकिन एक परिवारवाद के जरिए अपना ही दबदबा कायम रखना चाहता है, इसका 3-4 चुनाव जो पिछले हुए हैं वो हम सबके सामने हैं, वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कि एक परिवार सिर्फ परिवार के लिए काम करता है, मगर आपने एक और बहुत बड़ी बात कही। आपने कहा कि शिक्षा का, उस वर्ग में शिक्षा की कमी है, अगर उस वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए तो आज भी बदलाव लाया जा सकता है। राजनीतिक तौर से आपकी बात करें तो आप अपने को राजनीतिक तौर से आप अपना किसको आदर्श मानते हैं, किसको आप गुरु मान के इस राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने 8 साल के शासन में, पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुए, 8 साल से इस देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने जब शपथ ली थी, प्रधानमंत्री की थी, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था संसद की चौखट चूमते हुए कि मेरी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। ये घोषणाएं हमेशा कई नेताओं ने की है कि हमारी सरकार आई तो हम गरीबी हटा देंगे, ये कांग्रेस ने कई वर्ष तक की, लेकिन वो धरातल पे लागू नहीं हुई। मोदी जी ने जब ये वक्तव्य दिया कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहेगी, तो उन्होंने इसको चरितार्थ करके दिखाया। आज जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है,
वो गरीब को केंद्र में रखकर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को केंद्र पर रख के चल रही है। मैं जैसलमेर ज़िले की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसलमेर ज़िले के अंदर 675 करोड़ रुपये खर्च करके 45,000 आवासों का निर्माण कराया गया। जैसलमेर ज़िले के लगभग 32,000 किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार आप उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, कोविड काल के अंदर फ्री वैक्सीन देना पूरे देश के अंदर, कोविड काल में गरीबों को फ्री अनाज देना, अनेक सारी जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, जैसलमेर ज़िला दुरुस्त क्षेत्रफल वाला फैला हुआ ज़िला है, यहाँ लगभग 36-38 हज़ार वर्ग किलोमीटर फैला हुआ ज़िला है। यहाँ एक गांव से दूसरे गांव, एक ढाणी से दूसरे ढाणी की दूरी लगभग 60-70 किलोमीटर है। वहाँ के बाशिंदे ने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरी ढाणी में कभी बिजली का बल्ब जलेगा। एक घर को लाइट से जोड़ने के लिए 70-70 किलोमीटर तक बिजली की लाइन बिछाकर उन्होंने लाइट पहुंचाई है। तो गरीब के लिए उन्होंने कार्य किया है, तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। निश्चित रूप से आप एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को अपना आदर्श मानते हैं जो आज भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, और पूरे विश्व में जिन्होंने भारत का मस्तिष्क ऊंचा किया है। ऐसे आदर्श को आप मान के और राजनीतिक तौर से आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में आज की डेट में जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में MLA के बहुत दावेदार हैं। ऐसी परिस्थिति में आप एक संगठन मंत्री होने के नाते, जिला महामंत्री होने के नाते, ये किस तरह से सामंजस्य बिठाया जा सकता है? देखिए, राजनीति में कई लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं, और सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, करने भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासित और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट के दावेदार हैं, उनका सबका यही कहना है कि मैं मेरी दावेदारी कर रहा हूँ, पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ लगकर सब पार्टी के लिए कार्य करेंगे। दावेदारी करना सभी का अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन टिकट मिलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को जिताने में कार्य करेंगे। आपने कहा कि पार्टी टिकट मांगना हर एक का हक है, और टिकट मांगे जब तक प्रत्येक का कंपटीशन है, मैं टिकट चाहता हूं तो वो अपना प्रयास करेगा, मगर टिकट की एक बार घोषणा होने के बाद में पार्टी संगठित रहेगी और सब संगठित होकर काम करेंगे। चाय पे चर्चा में हमने आज सवाई सिंह जी से बात की, उन्होंने चाहे जैसलमेर की राजनीति की बात हो, चाहे सीमावर्ती क्षेत्र की बात हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से योजनाओं से आम नागरिक को फायदा पहुंचाया उसकी चर्चा की। आप हमारे डेजर्ट स्टूडियो पधारे, उसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज चैनल को और चैनल हेड विमल शर्मा जी और उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाकर बोलने का अवसर दिया। और जिस तरीके से डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज चैनल हो, चाहे पत्रिका हो, जिस तेज़ गति से इस ज़िले की, ये पिछड़ा ज़िला है, बहुत मीडिया एक चौथा स्तंभ है, बहुत कार्य करने की आवश्यकता है इस ज़िले में, जिस तरीके से आप आम जन की समस्याओं को प्रखरता से उठा रहे हो और सरकार को चेता रहे हो कि इस क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए, मैं आपके इस चैनल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपने मुझे यहां बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।